हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको इस बाइक में थोड़े मॉडिफिकेशंस करके दिखाना चाहता हूं। और आज मैंने इस बाइक में अपनी सीट कवर और रेडिएटर ग्रिल दो चीज़ इंस्टॉल करवाने आया हूं, जो कि मुझे एक्चुअल में रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करवाना था। तो गाइस, इस बाइक में आपको रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका रेडिएटर का ऊपर वाला बोल्ट खोलना पड़ता है। ये बोल्ट जब आप खोल लोगे तो इसके बाद आपको इसमें एक नीचे लेफ्ट तरफ में बोल्ट होता है, वो भी आपको खोलना पड़ेगा जो रेडिएटर का होता है। और जब और एक्चुअल में जब आपको नीचे वाला नट खोलना होगा तो पहले आपको जो नीचे पैनल लगा है मेट गार्ड के जस्ट सामने, वो प्लास्टिक का पैनल खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपका वो नट खुलेगा, क्योंकि उसमें फिर एक्चुअल में पाना जो है जो आपका होता है वो सेट नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से उसको आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो नट खुलेगा। फिर गाइस, उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो पाएगी। तो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको जो ऊपर का बोल्ट खोलना है वो खोलने के साथ एक छोटी सी क्लिप निकलती है, वो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक छोटी सी क्लिप मिलती है, बट वो जब आप दोबारा लगाना चाहोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो ये रेडिएटर में नट लगा हुआ है, नट और बोल्ट, तो ये चीज़ छोटा होता है, वो रेडिएटर के हिसाब से होता है। अब जो रेडिएटर ग्रिल की थिकनेस है उसके रॉड की, वो भी उसमें बीच में आ जाती है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बड़ा बोल्ट चाहिए होगा, तो आपको उसमें 10 नंबर का बोल्ट लगवाना पड़ेगा। तो आप अगर जब भी अपनी बाइक में रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल करवाएं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ऊपर राइट साइड में जो बोल्ट लगा है उसको आपको 10 नंबर लगवाना है, वो चीज़ आपकी दोबारा नहीं लगने वाली है। तो गाइस, देख सकते हो आप, और ये नीचे का बोल्ट खोलने के लिए आपको पहले आपको ये पैनल खोलना पड़ेगा। ये भैया ट्राई कर रहे हैं अभी, बट खुल नहीं पा रहा है। फिर आपको ये नीचे का पैनल खोलना ही पड़ेगा। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, ऐसे ही आगे मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपना रेडिएटर ग्रिल या कोई भी मॉडिफिकेशन करवानी शोरूम में या जो आप आफ्टर मार्केट आएँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी पार्ट जैसे इसमें खुलते हैं तो क्या इसमें प्लग एंड प्ले का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप प्लग एंड प्ले वाली लगवाएं तो उसको अच्छे से फिट करवाएं, क्योंकि अगर जैसे आप बाइक स्पीड में भी चलाएंगे तो वो क्या हिलने की वजह से फिर उसमें गैप आ जाएगा, फिर वो वाइब्रेशन करने लगेगा, फिर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तो आप अच्छे से अपनी सारी चीज़ों का अच्छे से इंस्टॉलेशन करवाएं और चेक कर लें एक बार। आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके हाई रेव करके सारी चीज़ें चेक कर लें, और आप सर्विस करवाना है तो अपनी बाइक का नट बोल्ट भी अच्छे से टाइट करवा लें, क्योंकि बाइक के पार्ट्स कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो आवाज़ करने ही लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। और अपना रेडिएटर ग्रिल आप इंस्टॉल करवाएं तो उसमें आप ये ज़रूर देख लें कि वो चीज़ जो आपको पट्टी आती है जो नीचे और ऊपर की, तो वो एकदम परफेक्ट हो, टेढ़ा ना हो। नहीं तो टेढ़ा होगा तो फिर क्या है कि वो मतलब थोड़ा सा क्रॉस में जाने लगेगा, और फिर ऊपर से भी नट अच्छे से सेट नहीं होगा और नीचे का भी नट अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी इसको इंस्टॉल करवाएं तो दोनों ऊपर और नीचे एकदम परफेक्ट देख लें और चेक कर लें, तभी इंस्टॉल करवाएं। और जो अपन ये पैनल खोल रहे हैं भैया, इस पैनल को भी देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। सिर्फ इसमें दो तीन ही बोल्ट लगे हैं, एक नीचे, एक जस्ट नीचे और एक साइड में, राइट साइड में लगा है। टोटल 4-5 बोल्ट लगे हैं। उसके बाद ये इसमें क्या क्लिप है, ये प्लग एंड प्ले हो जाता है। तो इसको निकलवाएं तो अच्छे से देख लें, और लगाते टाइम भी इसका पूरा सारी चीज़ें चेक कर लें कि ये कहीं छूट तो नहीं गया है, आवाज़ तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें, तभी ये सही रहेगा। वरना फिर आपकी बाइक में थोड़ी थोड़ी मतलब आपकी बाइक में वाइब्रेशन सी होगी, जिससे आपको लगेगा कि मतलब कुछ चीज़ ढीला है। तो इस वजह से आप सारी चीज़ें अपनी चेक कर लें। और गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसके रेडिएटर ग्रिल का पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स खुलते हैं, फिर उसके बाद कैसे इंस्टॉल होता है, मैं सारी चीज़ इसमें दिखाने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो नट भैया ने अभी नट खोला है उसके ऊपर एक क्लिप काफ़ी सारे क्लिप हैं, उसको हटाना पड़ता है तभी निकलेगा। तो इसको निकालने के बाद ही आपका जो नीचे का रेडिएटर का नट है लेफ़्ट साइड का, वो खुलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो अपन पाना लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो सेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है। इसको खोल लेंगे तो गैप मिल जाएगा, गैप मिलने के बाद फिर आराम से वो चीज़ खुल सकती है, और उसमें फिर आराम से रेडिएटर का जो पैनल है वो बढ़िया से सेट हो सकता है।
और गाइस इसके सारे नट बोल्ट खोलकर साइड में भी रख लें, क्योंकि एक भी घूम जाएगा तो फिर ये बाद में आपको मिलेगा नहीं, और दूसरा लगेगा तो फिर उसमें गैप हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो भैया ने पूरा नट बोल्ट खोल लिया है, और इसका जो क्लिप है वो भी निकाल लिया है दोनों तरफ से। इसको कुछ नहीं करना पड़ता, ये नट बोल्ट खोलने के बाद भी इसमें क्लिप सपोर्ट रहता है। ये देख सकते हो आप पैनल, ये इसका पूरा पैनल है, ये जो इसमें आपको साइड साइड दिख रहा है इसका क्लिप सपोर्ट है। ठीक है, ये पैनल आपको खोलना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका जो है नीचे का नट, ये देख सकते हो आप, ये नीचे का नट खुलेगा। तो आपको ये चीज़ खोलनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको कोई भी पार्ट नहीं खोलना पड़ेगा। ये आपको नट खुल जाएगा, इसके बाद ये आप इसमें अपना रेडिएटर ग्रिल जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो दोनों तरफ से आपको देख रहे हैं आप, ये दोनों नट खुलने के बाद आपका रेडिएटर ग्रिल अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको ये जो पाइप सी दिख रही है इसमें भी छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है, तो इसमें भी गैप आ सकता है। तो फिर आप ये कूलेंट का रहता है तो इसको आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा वैसा आप इसको लगे रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना नट खोल सकते हो आराम से, नीचे से खोल सकते हो, ऊपर से तो भैया ने खोल ही लिया है, और इसके बाद आपका ये रेडिएटर जो है इंस्टॉल हो सकता है इसमें। तो गाइस चारों नट और ये सब पैनल खोलने के बाद आप देख सकते हो, फिर इसके बाद आप अपना रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हो, रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले जो ऊपर क्लिप है उसको आपको ऊपर वाले बोल्ट में फंसाना है, और जो एक नीचे क्लिप रहती है उसको आपको नीचे वाले में फंसाना है। तो भैया वही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सीधा, और हाँ जो भी आप जैसे देख सकते हो जो आपका रेडिएटर है उसमें एकदम जो ऊपर और नीचे एकदम परफेक्ट रखना है, क्योंकि गैप नहीं छोड़ने, क्योंकि अगर थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो फिर वो ऊपर से अच्छे से सेट नहीं होगा, और नीचे से अच्छे से फिर आपका रेडिएटर भी हिलने लगेगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से सेट करना, और ऊपर का नट भी आप देख सकते हो अच्छे से ही फंसाना, क्योंकि इसमें आपको छोटा नट नहीं लगेगा, इसमें आपको बड़ा जो 10 नंबर का होता है वो बोल्ट आपको इसमें लगेगा। और इसकी जो क्लिप होती है देखो, देख सकते हो आप, इसमें एक छोटी सी आपको क्लिप अगर दिख रही होगी तो ठीक है, ये इसमें एक क्लिप है, ये जो बाद में ये निकल जाती है, इसमें जब आप बड़ा बोल्ट लगा दोगे तो वो चीज़ आपको नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो छोटा सा आपको एक वाशर टाइप का लगाना पड़ेगा, इसके अलावा आप इसमें नहीं लगाओगे, ऊपर से भैया नट का टाइट कर देंगे तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। और एक नट तो भैया ने फंसा दिया ऊपर से अभी फ़िलहाल, और नीचे से दूसरा टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि ऊपर नीचे से थोड़ा आप नट फंसा दें, क्योंकि आपको फिर वो एडजस्ट भी करना पड़ेगा, अगर आप टाइट कर दोगे तो फिर वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा करके उसको पहले अटका दें, फिर उसके बाद आप उसको बीच में एकदम परफेक्ट रख के सेंटर पे, फिर उसके बाद आप फिर अपना पहले ऊपर का नट टाइट करना है, फिर आपको नीचे का करना है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप ऊपर का कर लोगे तो थोड़ा नीचे से आप एडजस्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ दोनों सारी चीज़ें आप टाइट करके, ये सारी चीज़ें जब हो जाए तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लें कि आपका परफेक्ट रेडिएटर ग्रिल सेट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर उसके बाद ही आप इसमें जो भी नीचे का आपका पैनल है वो आप इसमें सेट करें, क्योंकि फिर बाद में ये हो जाता है कि थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाता है तो फिर वो दोबारा आपको खोल के फिर पूरा पैनल खोल के फिर दोनों नट खोल के आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले ऊपर का बोल्ट लगा कर फिर नीचे का आप लगाएं उसको सेट करके अच्छे से। और ये वही चीज़ भैया ने किया, ऊपर का नट लगा लिया है, और देख सकते हो आप इसमें अपने हाथ से पकड़ कर रखा है, क्योंकि ऊपर से जो टाइट करेंगे क्या नीचे से फिर टेढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से वो ऊपर का बोल्ट पहले हल्का सेट करके फिर ये नीचे से अपना एडजस्ट करके नीचे का नट भी टाइट कर देंगे, और अपना रेडिएटर ग्रिल आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। और गाइज़ यहाँ पर अपना रेडिएटर ग्रिल सेट हो चुका है, तो गाइज़ देख लीजिए आप, ये सेट एकदम परफेक्टली हुआ है, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से परफेक्टली हुआ है। अब जो भैया हैं अपने, ये जो अपना पैनल है ये देख लो आप, क्लिप है इसकी, पहले ये क्लिप को पूरा सेट करना पड़ता है अंदर की तरफ से, ये प्लग एंड प्ले है पूरा, ये पूरा अंदर से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद इसमें सारे जगह बोल्ट टाइट करना पड़ता है, ये देख लीजिए आप, भैया बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ये अपना पूरा सेट हो जाएगा, एक एक तरफ से करके करना, वरना क्या होता है कि फिर ये एडजस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। इसको थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी ऐसा खींच के फिर अंदर क्लिप इसका पूरा सेट होता है, और ये क्लिप सेट होने के बाद फिर ये अच्छे से प्लग इन प्ले हो जाता है। और गाइस यहाँ पर अपना पैनल सेट हो गया पूरा, और रेडिएटर ग्रिल भी लग चुका है, ये देख लो आप, एकदम अच्छे से फिक्स हो चुका है। जब सारे बोल्ट टाइट हो जाए तो एक बार आप अच्छे से अपना चेक कर ले पूरा सारी चीज़ें, क्योंकि क्या रहता है थोड़ा बहुत गैप रह जाता है तो फिर उसके बाद हिलने लगता है, तो उसको भी आप पूरा चेक कर लें। और अपना ओवरऑल सारा काम हो चुका है,
और गाइस जब भी आप शोरूम विजिट करें, अपनी बाइक की सर्विस कराने जाए, तो चेन लुब्रिकेशन और चेन वॉश ज़रूर करवा लें, क्योंकि इससे आपकी चेन की रेंज बढ़ जाती है और आपकी चेन ज़्यादा जल्दी ढीली भी नहीं होती है और आवाज़ भी नहीं करती। क्या सूखा अगर रहेगा तो आपकी फिर चेन खिंच जाएगी और खींचने के बाद आपका चेन स्पॉकेट भी पूरा ख़राब हो जाएगा, तो आपका मतलब पूरा नया चेन स्पॉकेट ही ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।